अगली खबर कैमूर जिले से, जहां पर अधौरा पहाड़ पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात पर पिकनिक मनाने गए 11 लोग स्नान कर रहे थे, तभी अचानक पानी काफी तेज गति से बढ़ गया और जिसके बाद सभी लोग बीच में ही फंस गए। सभी जो लोग हैं वो टीले पर पेड़ के सहारे खड़े हो गए। 12 घंटे से भी अधिक समय के बाद SDRF और NDRF की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। कैमूर जिले के चैनपुर थाने पर मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां से आप करकटगढ़ जा सकते हैं। करकटगढ़ कैमूर जिले के अधौरा पहाड़ी पर बसा हुआ है और काफी चर्चित पर्यटक स्थल है। रविवार की सुबह 11 सैलानी वहां पर पिकनिक मनाने जाते हैं और बीच में स्नान करने के दौरान पानी का बहाव तेज होता है और उसमें फंस जाते हैं। इसकी सूचना जब जिला प्रशासन को मिलती है तो आनन फानन में पूरे जिले प्रशासन की टीम, चाहे वो स्थानीय थाने चैनपुर थाने से हो या फिर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी हो, तत्काल NDRF और SDRF को भी बुलाया जाता है और 12 घंटे से अधिक वो जो सैलानी थे वो वहां पर फंसे रहे और उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह निकाला गया और फिर सभी को चैनपुर लाया गया है, जहां सभी के स्वास्थ्य की जांच चैनपुर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में कराई गई। सभी स्वस्थ पाए गए। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला पदाधिकारी सावन कुमार से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो 11 सैलानी फंसे हुए थे वो बीच में स्नान कर रहे थे और जब पानी का बहाव तेज हुआ इसी दौरान वो वहां फंस गए। लेकिन करकटगढ़ जहां पे पिकनिक स्पॉट है वहां जहां फंसे हुए थे, क्योंकि बीच का जो जगह है वो काफी ऊंचा है और वहां पेड़ पौधे थे, उसी पेड़ के सहारे वो लोग थे। जब NDRF और SDRF की टीम पहुंची तो रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी में देखा जाता है कि बीच में स्नान कर रहे हैं और पानी का धारा तेज हुआ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पानी का बहाव कभी भी बढ़ सकता है, इसी कारण फंस जाते हैं। जिला प्रशासन ने भी अपील की कि आप पिकनिक स्पॉट पर जाएं तो वैसे स्थानों पर अपना पिकनिक मनाएं जहां पर आप सुरक्षित हों। फिलहाल कैमूर से एक कशिश के लिए।